वैसे सर टैप किसे कर रहे हैं, कौन है? बड़ी हस्ती है। हमारा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है। मंत्री जी प्रणाम, शुक्ला बोल रहे हैं। व्यवस्था कीजिए वरना कर देंगे फेमस। पूरा शहर इनके कब्जे में है। जुर्म के रास्ते कितने ही मखमली क्यों ना हो सर, खत्म तो जेल के कंबल में ही होते हैं। जो हमको पकड़ सके वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ। मैं एक ही बात, क्या फ्लॉप नहीं थी साहो? क्या कारण था कि साहो को मिले नेगेटिव रिव्यूज? क्या बन सकता है साहो का सीक्वल? SS राजमौली और प्रभास की पैन इंडिया फिल्म्स बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन के रिलीज होने के बाद बढ़ गई थी फैंस की एक्सपेक्टेशंस। हम सभी को लगा था कि दो दो ब्लॉकबस्टर सुपरहिट और हाईएस्ट ग्रॉसर मूवीज के बाद साहो मूवी प्रभास की हैट्रिक होगी, मगर ऐसा क्यों नहीं हुआ और क्या वजह थी आज हम आपको बताएंगे हमारी इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, बॉलीग्राड स्टूडियोज में मैं अनुष्का त्यागी आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की इस वीडियो में जानेंगे साहो मूवी से रिलेटेड कुछ बहुत ही रोचक इन्फॉर्मेशन और उन्हें जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो एंड तक। और दोस्तों साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट मूवीज के बारे में रोचक और मजेदार इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। प्रभास और श्रद्धा कपूर की मूवी साहो, जिसको सुजीत ने लिखा था और डायरेक्ट किया है, और वामसी कृष्णा रेड्डी, प्रमोद उल्लापति और भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया था। सुजीत की पैन इंडिया फिल्म 3 भाषाओं में रिलीज हुई थी और जो अपने प्रोडक्शन के बिगेस्ट बजट के लिए सुर्खियों में भी रही है। मगर क्या सच में फ्लॉप हो गई थी साहो? प्रभास के ऑपोजिट में श्रद्धा कपूर ने अमृता या अमू नैर का रोल प्ले किया। जय और इंस्पेक्टर अशोक चक्रवर्ती के रोल को नील नितिन मुकेश ने प्ले किया था। मगर खबर आ रही है कि जल्द ही मेकर्स बनाएंगे साहो का पार्ट 2। मगर क्या आपको लगता है कि क्या इस बार पैन इंडिया ऑडियंस को खुश कर पाएगी साहो 2? दोस्तों मूवी में कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स और क्रिएटिव इश्यूज ने तो पूरी मूवी को फ्लॉप बना डाला और मूवी के प्रोडक्शन के लिए खर्च हुए पैसों पर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी डाउट हो रहा है कि क्या ये मूवी सच में फ्लॉप हो जाएगी। हालांकि मूवी ने बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज को कलेक्ट किया, मगर कहीं ये एक्टर का नेशनल और वर्ल्ड वाइड फैन बेस ही है जिसने पूरी मूवी को लॉस में नहीं रन करने दिया। अगर हम ऐसे कहते हैं कि साहो की अर्निंग्स खराब थी तो ये भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मूवी को 350 करोड़ में बनाया गया था और मूवी की एस्टिमेटेड अर्निंग 433 करोड़ तक की है। दोस्तों जापान में साहो 20 मार्च 2020 को रिलीज हुई और बहुत ही कम समय में उसने बहुत ज्यादा प्यार और लोकप्रियता भी पाई है। यहाँ तक कि जापान में टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म की लिस्ट में अपना नाम भी दाखिल कर लिया और पहली बार किसी भारतीय मूवी ने जापान के हाईएस्ट ग्रॉसर लिस्ट में इतनी अच्छी ओपनिंग की है। दोस्तों इंडिया में साहो तो बुरी तरह से फेल हो गई, मगर जिस तरह से साहो ने जापान और अन्य देशों में प्यार पाया है उससे तो यही साफ जाहिर होता है कि किस तरह से प्रभास के इंटरनेशनल फैन बेस है। हालांकि अभी तक मूवी के मेकर्स ने साहो 2 के बारे में कोई कंफर्मेशन तो नहीं दी है, मगर जिस तरह से भारत के बाहर साहो ने ह्यूज पॉपुलैरिटी गेन की है उससे तो इतना क्लियर है कि मेकर्स इसके सीक्वल के बारे में जरूर सोच रहे हैं और शायद उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट सीन भी हो, जिसमें शायद बाजी सिटी के अंडरवर्ल्ड क्राइम बॉस नरांटक रॉय यानी कि जैकी श्रॉफ का किरदार बहुत ही लंबा रहेगा और शायद इसमें कहानी की स्टार्टिंग को दिखाया जाए, यानी कि ये प्रेजेंट के साथ फ्लैशबैक दोनों को एक साथ दिखाएगी। दोस्तों फिलहाल तो प्रभास राजू अपने अपकमिंग मूवीज राधे श्याम, सलार और आदि पुरुष की शूटिंग में पूरी तरह से बिजी हैं और कहा जा रहा है कि प्रभास 21 के बाद ही वो कोई नई प्रोजेक्ट साइन करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर साहो 2 रिलीज होती भी है तो इसके लिए अभी बहुत टाइम है और किसको पता है कि इस बीच क्या क्या नए चेंजेस हो जाएं साहो 2 के टीम में। डायरेक्टर्स ऐड भी तो हो सकते हैं और प्रोडक्शन में भी तो चेंजेस आ ही सकते हैं,
मगर हमें तो इंतजार है एक बार फिर से प्रभास और एसएस राजामौली की जोड़ी को एक साथ काम करते हुए देखने का। और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी अपने 2022 की अपकमिंग मूवी LUV रांचन की शूटिंग में पूरी तरह बिजी हैं। वहीं जाकी श्रॉफ भी अपने आने वाली फिल्म सूर्यवंशी, फिरकी और अतिथि भूतो भवा के लिए पूरी तरह से पैक्ड है। खैर फिल्म में जो भी होगा हम आपको बता ही देंगे, मगर दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि क्या नई स्टोरी हो सकती है साहो 2 में, और कैसा रहेगा साहो 2 में सुपरस्टार प्रभास का किरदार, कौन कौन से एक्टर्स होंगे साहो 2 में। साथ ही दोस्तों अगर आप भी हैं प्रभास के फैन और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वेट किस चीज का है, जल्दी से जाकर इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को, जहां आपको हमेशा हर मूवीज के लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले पता चलता है। तो दोस्तों हमारी आज की राइटर हैं साओमी पाल।